भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक 36 मैच खत्म होने के बाद सिर्फ मेजबान भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच पाई है। वहीं बाकी बचे दो स्थानों के लिए ऑस्ट्रेलिया के अलावा तीन और टीमें पहुंचने की प्रबल दावेदार बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया को अभी दो मैच खेलना बाकी है, जिसमें एक उन्हें अफगानिस्तान और दूसरा श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। इन दोनों ही मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल करना जरूरी है। वहीं अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले एक बड़ा मुद्दा उठाया है, जिसमें उन्होंने इस ऑस्ट्रेलिया द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज को रद्द करने का जिक्र किया है। दरअसल अफगानिस्तान टीम के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट में एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार, अब वर्ल्ड कप में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड देखना होगा दिलचस्प। इतना ही नहीं, नवीन ने अपने इस पोस्ट के साथ तीन हैशटैग भी लिखे हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स, दूसरा दो अंक और तीसरा स्टैंडर्ड शामिल था। अफगान खिलाड़ी के इस पोस्ट को करने का कारण इस साल जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से मना करना था, जिसके जरिए नवीन ने अब अहम मैच से पहले कंगारू टीम पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि साल 2023 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान का दौरा होना था, मगर इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। तालिबान के इस फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान का दौरा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम के इस फैसले के बाद बिग बैश लीग खेल रहे कई अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस आ गए थे। इसी को लेकर नवीन ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि क्या ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के खिलाफ यही स्टैंड रहने वाला है या फिर अब मानवता की तरफ नहीं देखा जाएगा, जिसको लेकर पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज को रद्द कर दिया था। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान टीम के प्रदर्शन ने सभी को काफी प्रभावित किया है। अफगान टीम ने 7 मैचों में 4 में जीत हासिल करने के साथ खुद को सेमीफाइनल की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों को भी मात दी। वहीं इसके अलावा अफगान टीम ने साल 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।